सो हाई एवरी वन, वेलकम बैक। मनन स्पीकिंग दिस साइड। तो कैसे आप सब लोग? आयु बहुत अच्छे होंगे। सामने खड़ी आपके TVS Raider Smart X कनेक्ट। ये देखो भाई, ये रहा इसका TFT डिस्प्ले। तो भाई मार्केट में आ गया है हीरो की तरफ से इसका एक न्यू कॉम्पिटिटर, जिसका नाम है एक्सट्रीम 125R, यानी कि 125cc में ही इन्होंने निकाल दिए। तो भाई अभी आपको वीडियो में आगे पता चलेगा मैं क्यों एक्सट्रीम 125R के लिए बोलने वाला हूँ, जबकि आज है भाई 26 जनवरी। भाई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपका कोई टॉपिक है तो कमेंट तो कर ही जाना। जब अपने पास हो TFT डिस्प्ले, TVS Raider, वो भी ये स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ, और 26 जनवरी हो, तो अपनी Raider तो हम लोग को ये दिखाएगी। लेकिन हीरो वालों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा भाई, आप अपनी न्यू प्रोडक्ट में थोड़ी सी मेहनत तो करते एक बार। भाई मेरी बात ध्यान से सुनना एक मिनट। पहले तो ये देखो भाई, हैप्पी रिपब्लिक डे, ये कुछ ऐसा आ रहा है जिसमें मैंने कहा, ये देखो इसका ब्राइटनेस वाला सेंसर जो यहाँ पे है ना, वो काम कर गया है। तो भाई ये कुछ मिलता है आपको TFT डिस्प्ले में फीचर्स। और भाई ये हीरो वालों ने जो एक्सट्रीम 160R का मीटर उठा के एक्सट्रीम 125R में डाल दिया, भाई हीरो वालों जब आप अपना न्यू प्रोडक्ट निकाल रहे थे तो थोड़ी सी मेहनत एहनत करते यार, नया मीटर कंसोल देते, जैसे आपने बॉडी पर मेहनत की है भाई। लेकिन अब मैं क्या ही बताऊँ हीरो वालों को, भाई आप अपने सजेशन ज़रूर बताना कि क्या आपको हीरो की एक्सट्रीम 125R अच्छी लगी है। मुझे तो नहीं अच्छी लगी, लुक्स ठीक है लेकिन ABS उन्होंने दे दिया। भाई TVS वाले भी पीछे नहीं रहेंगे, परेशान ना होना। मे बी हीरो के एक्सट्रीम 125R 135,000 रुपये के बजट में आएगी टॉप मॉडल ABS के साथ, देखते हैं चलो क्या होगा। लेकिन भाई अगर आप 135,000 रुपये ही दे सकते हो तो आप खुद ही सोचो कि आपके पास 160cc 150cc का भी ऑप्शन खुल जाता है भाई फिर। और फिर अगर आप मान लो आप ले भी रहे हो 125cc आपको लेना है माइलेज की वजह से, तो आप मुझे ये बताओ जब आपको इतना एडवांस TFT डिस्प्ले ये सब फीचर्स के साथ मिलेगा और वो नॉर्मल डिस्प्ले आप लेके क्या करोगे? उससे अच्छा फिर आप कोई और बाइक ना ले लो, ये मैं अपना पॉइंट बता रहा हूँ। बाकी ये देखो भाई हैप्पी रिपब्लिक डे, मैंने एक बार आपको दोबारा दिखा दिया, साइड स्टैंड की वार्निंग आ रही बस और कुछ नहीं। ये अभी इंजन स्टार्ट होगा तो ये चली जाएगी। तो भाई आप खुद ही सोचो कि क्या फ़ायदा है भाई उतने प्राइस में उसको लेने का। बॉडी भी उन्होंने ध्यान दिया मैं मान रहा हूँ, लेकिन बाकी मेरे को तो नहीं कोई खास लगी। और भाई ये रहा भाई TFT डिस्प्ले का कमाल का फीचर जो मैंने अभी आपको दिखाया। आप सबको क्या लगता है TVS Raider के सामने एक्सट्रीम 125R कहीं से भी टिक पाएगी? हमारा बॉडी अच्छी है उसके लिए मुझे नहीं लगता टिक पाएगी। कहाँ ये भाई ऐसे ऐसे फीचर्स इसमें पड़े हैं ना, 135,000 रुपये का ऑन रोड टॉप मॉडल वो आएगा ABS के साथ। चलो छोड़ते हैं हीरो को थोड़ी देर, बिकॉज हीरो की तो हम लोग अगले आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे इनके एक्सट्रीम 125R के साथ। लेकिन अभी हम लोग अगर बात करें TVS Raider Smart X Connect की, तो भाई ये कुछ इसका कमाल का फीचर मिलता है हर ओकेजन पर भाई, इसकी TFT डिस्प्ले ना कुछ दिखा देती है, जिसकी वजह से भाई रोड में जो प्रेजेंस मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल मिलती है। आप यकीन नहीं करोगे, मैं अपनी हर वीडियो बोलता हूँ कि रोड प्रेजेंस मतलब मुझे जो इस बाइक से मिली है ना, वो आप यकीन नहीं करोगे मतलब कि नेक्स्ट लेवल है। बिकॉज कहीं भी ट्रैफिक में आप एक बार इग्निशन बंद कर दो, कहीं रेड लाइट पर खड़े हो, उसके बाद जैसे आप ग्रीन लाइट होगी ऑन करोगे, उसके बाद अलग से ये लोग आपको देखेंगे कि भाई अरे ये क्या दिखा रहा है, अरे भाई इसमें डिस्प्ले चेंज हो गई। तो भाई ये कुछ कमाल के फीचर्स आपको मिलते हैं TVS Raider Smart X Connect में। बाकी भाई आप देख सकते हो टीका ईका लगा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना मेरी बाइक का ब्रेकडाउन हो गया था, तो मैं इसको सर्विस सेंटर डालाया था, तो वही मैंने उसके बाद इसकी पूजा वूजा करा ली, क्योंकि मैं समझ गया था भाई कि इस पर लग रखी है नज़र, क्योंकि हमेशा रहती है चमचमाती हुई, बिकॉज इसमें रखी है सिरेमिक कोटिंग एंड वैक्स कोटिंग एंड इवन इसमें लगी है PPF। कि भाई आप लोगों ने बताया नहीं, मैं रिसेंटली एक मॉडिफिकेशन का ब्लॉग डाला था कि मैं इसमें ये वाली चीज़ें मॉडिफाई कराने वाला हूँ, तो भाई बता देना क्या मॉडिफिकेशन आपको अलग से चाहिए, जो अगर मैं करा पाऊँगा तो मैं करवा दूँगा अपनी TVS Raider Smart X Connect में TFT डिस्प्ले वाली बाइक में। मार्केट में जो भी बाइक्स आ जाए, चाहे 125R एक्सट्रीम जो हीरो लॉन्च कर रखी है, या कोई भी आ जाए भाई, मुझे तो मेरे डिसीजन में बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने TVS Raider की TFT डिस्प्ले वाली Smart X Connect वाली बाइक ली। बिकॉज भाई मैंने 130,000 रुपये लगाए थे, तो भाई मुझे पूरा वसूल हो जाता है, इतना रोड प्रेजेंस मिलना, ये सब फीचर्स मिलना, पूरा GPS सब कुछ दे रखा है, तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट है भाई। इसको मार्केट में अभी भी कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि हीरो वाले हिला सकते थे अभी, लेकिन हीरो वालों ने मेहनत नहीं करी, एक्सट्रीम 160R का मीटर 125R में डाल दिया। बाकी भाई एक बार लास्ट में आप देख लो इसका मीटर, बिकॉज इस फीचर के आगे इस TFT डिस्प्ले के आगे तो भाई मुझे नहीं लगता हीरो कहीं भी स्टैंड कर सकती है इसकी एक्सट्रीम 160R। ये रहा हैप्पी रिपब्लिक डे, इको मोड पे गाड़ी लगी है भी, ये आप देख सकते हो, देखा भाई। और अगर आपको वाइट डिस्प्ले वाला है तो उसमें अलग से आएगा बन पे रिपब्लिक डे Raider के साथ, मैंने भी बोल दिया आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।